बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई कोरोना के चलते कुछ खास नहीं रही, लेकिन जब से सिनेमा घर खुले हैं तब से बॉक्स ऑफिस पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। साउथ की कई सारी फिल्मों ने इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। हाल ही में बड़े बजट की फिल्म RRR की ग्रैंड रिलीज से पहले साउथ की एक और फिल्म का धमाल बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। फिल्म का नाम है पुष्पा दी राइज। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उठा रखा है। महज दो दिनों में ही फिल्म ने शतक जड़ दिया है और फिल्म ने 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2021 तो साउथ फिल्मों के लिए कमाल का साबित हुआ है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिनों में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। सभी इस मूवी की कमाई को देखकर दंग हैं। इस वक्त सिनेमाघरों में रिलीज हुई दूसरी फिल्मों को इस मूवी की सक्सेस के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब फिल्म पुष्पा की दूसरे दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने दो दिन की रिलीज के बाद दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने दो दिनों में 116 करोड़ की कमाई कर ली। फिल्म ने पहले दिन 71 करोड़ की कमाई की तो वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 45 करोड़ रुपए कमाए। बता दें कि ये फिल्म शुक्रवार यानी 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को सरप्राइजिंग माना जा रहा है। USA के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1.30 मिलियन डॉलर की कमाई की है और इस हिसाब से इंडियन करेंसी में ये आंकड़ा 10 करोड़ के करीब है। वहीं फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर किए हैं। उनके मुताबिक पुष्पा फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले दिन 3 करोड़ तो वहीं दूसरे दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस लिहाज से इस मूवी के हिंदी वर्जन ने दो दिनों में 7 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में भी शानदार कमाई कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम भी रिलीज हुई थी जिसे इंडियन फैंस से बहुत प्यार मिला। बॉक्स ऑफिस पर मौजूदा समय में इन्हीं दो फिल्मों के बीच चर्चा हो रही है और कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल रहा है।